Assalamu alaikum. Hamare paas ek question aaya tha and she asked me ki I am overweight, I don't know how to lose weight, I have tried all the diets. Par inhone dobara question kiya hai ki aapne mere question ke ek part ko to answer kar diya tha lekin aapne dusre part ka answer nahi kiya. So let me read the second next part, theek hai? Dusra part hai, I have stopped going out because I think people will call me fat. Whenever I think of my weight, I end up eating more and then feel guilty. Can you please tell me what to do? ठीक है, आई विल टेल यू वट टू डू. इसका वाकई मैंने आंसर नहीं किया था. तो एक्चुअली हो ये रहा है कि आपने जैसे अपने उसमें लिखा है क्वेश्चन के पार्ट टू में लिखा हुआ है कि मैं खाती हूँ फिर मुझे गिल्ट आता है, उसके बाद मैं फिर खाती हूँ फिर मुझे गिल्ट आता है. तो आपका ये पूरा एक साइकिल सा चल रहा है. ठीक है, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल. ठीक है, आपके साथ कुछ होता है, कोई ट्रिगर होता है, फिर आप खाती हैं, फिर आपको थॉट आती है कि आई शुडन हैव ईटन, मैंने अच्छा नहीं किया, अब मेरा वेट बढ़ जाएगा. फिर ना आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं. तो जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको फीलिंग तो पॉजिटिव नहीं आ सकती ना, क्योंकि थॉट्स नेगेटिव हैं. तो फिर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको गिल्ट की फीलिंग आती है, आपको शेम की फीलिंग आती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको एंगर होता है, आपको सैडनेस होता है. और जब हमारी फीलिंग ही नेगेटिव होगी तो फिर हमारा एक्शन पॉजिटिव नहीं हो सकता, फिर यू एंड अप ईटिंग मोर. ठीक है, और फिर वो साइकिल चल पड़ता है कि आप जो ईट मोर करती हैं वो आपका ट्रिगर हो गया, फिर आप दोबारा से गिल्ट में चली जाती हैं. अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी, यू हैव टू पिक योर थॉट हियर. ठीक है, लर्न टू पिक योर थॉट. जब आपसे कोई चीज़ हो जाए तो फौरन अपनी थॉट, व्हाट जस्ट केम इन माय माइंड, क्या थॉट आई थी मेरे माइंड में. ठीक है, अगर आप उस थॉट को पकड़ लेंगी, उस थॉट को देख लेंगी, तो फिर आप अपनी थॉट बदल सकती हैं. तो अपनी थॉट चेंज कर लेंगी तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी. ठीक है, जब फीलिंग चेंज हो जाएगी तो जाहिर है आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. लाइक फर्स्ट के अगर आपने खा लिया, ठीक है, आपने खा लिया तो आपको जो थॉट आती है अपनी थॉट पिक कर ली, तो आप अपने आप को ये कह सकती हैं कि हाँ मैंने ज़्यादा खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन अगली दफ़ा आई विल बी केयरफुल एंड आई विल ईट लेस और आई विल नॉट ईट. ठीक है, आपने अपने आप को जब ये थॉट्स आपने पॉजिटिव कर लिए और अपने आप को आपने पॉजिटिव कर लिया तो फिर आपको फीलिंग क्या आएगी, चलो ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक, इट्स ओके, डोंट फील गिल्टी, फील हैप्पी. ठीक है, तो आपकी फीलिंग हैप्पी आएगी. व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी तो जाहिर है फिर आपका बिहेवियर भी हो जाएगा, ओके आई एम नॉट गोना ईट, आई वॉन्ट ईट. लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप ये कोपिंग कार्ड की तरह से बना लें, आप अपने पास लिख लें कि हाँ ठीक है मैंने ज़्यादा खाना खा लिया था, मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन अगली दफ़ा आई एम नॉट गोइंग टू ईट. ठीक है, और हो जाता है ऐसे. तो एक्चुअली होता ये है कि हम जो भी बोलते हैं या जो भी हम लिख लेते हैं या जो भी हम मतलब थॉट को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो फिर जो भी हम अपनी थॉट को कहते हैं ना, लाइक वी एंड अप डूइंग वट एवर वी टेल आवर ब्रेन. लाइक अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो ये मुझे एक थॉट आई ना, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे आई फील मोटिवेटेड, आई फील हैप्पी एंड यू नो मेरा दिल चाहेगा, तो फिर मेरा एक्शन ये आएगा कि आई एम गोना स्टडी. ठीक है, बिकॉज आई हैव अ हैप्पी थॉट, आई एम फीलिंग हैप्पी, सो आई विल स्टडी. जब मैं स्टडी करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर क्या होगा कि मतलब मेरा रिजल्ट क्या होगा कि आई विल गेट गुड मार्क्स. और जब मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर अगेन मुझे थॉट आएगी आई एम गुड, आई डिड गुड. ठीक है, तो यू हैव टू लाइक वर्क ऑन योर थॉट और अपनी जो भी ऑल्टरनेट थॉट बनती है उसको आप लिख लें सो यू कैन सी इट. अच्छा, दूसरा आपने ये कहा है कि आई हैव स्टॉप गोइंग आउट बिकॉज पीपल विल कॉल मी फैट. ठीक है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, डिड एनीवन कॉल यू फैट? ठीक है, इफ नॉट देन यू आर डूइंग माइंड रीडिंग, लाइक यू आर अज्यूमिंग दैट दे माइट बी थिंकिंग यू आर फैट. ठीक है, देर इज नो एविडेंस, सो हाउ डू यू नो कि शी इज थिंकिंग दैट यू आर फैट. ठीक है, बट इफ समवन डिड कॉल यू फैट, फिर आप क्या करेंगे? फिर यू कैन टेल दैट पर्सन वेरी रिस्पेक्टफुली, बीइंग असर्टिव, दैट व्हेन यू कॉल मी फैट इट बॉदर्स मी. ठीक है, असर्टिव होने का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग का इजहार कर दें, आई फील बैड. ठीक है, आई फील हर्ट. सही है, तो उससे होता ये है कि एक तो दूसरे को, शायद दूसरे को पता ही ना हो कि वो मजाक में कह रहा हो कि उससे आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं. एक तो ये कि ही फाइंड्स आउट कि यू आर हर्टिंग, दूसरा ये कि फिर जब वो ये नहीं कहेगा तो आपका रिलेशनशिप जो है वो और अच्छा हो जाएगा. तो बींग असर्टिव मीन्स कि आपको अपनी फीलिंग का इजहार कर देना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग, इट हेल्प्स. और रिलेशनशिप भी जाहिर है, मैंने आपने जब उसको बता दिया तो वो नहीं करेगा तो योर रिलेशनशिप विल बिकम मोर बेटर, इट विल बिकम बेटर. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, फिर यहाँ भी मैं आपको फिर वही कहूँगी कि आपने कोपिंग कार्ड बनाना है. आपने अगर किसी ने आपको फैट बोला भी है तो यू कैन से कि यस आई एम ओवरवेट,
and people are calling me fat. ठीक है, that's not polite. I will try to lose weight and I will lose weight inshallah. तो आप ये coping card बना के कहीं भी दीवार पे लगा दें, फ़ोन पे लिख लें, computer पे डाल दें, ताकि आप जैसे ही खोलें आपको नज़र आ जाए. तो वही बात होगी कि if you tell yourself something you will end up doing it. So just tell yourself this and you, और हर चीज़ में आप इसको use कर सकती हैं, हर चीज़ में कर सकती हैं, कि आप अपनी thought pick करें, thought pick करके आप उसकी feeling को pick कर लें, और उसके बाद अपनी thought को जो है आप अपना एक thought जो आ रही है उसको आप लिख लें अपने आप को कि हाँ ये हो रहा है लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, या जो भी थॉट है, तो उससे फिर आपको इंशाल्लाह यू विल फील बेटर. और आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा. और अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चन एंड रिमाइंडिंग मी कि मैंने नेक्स्ट पार्ट का जवाब नहीं दिया था. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.